We will start with a quick revision of what we have seen in the last session. Last lecture में अगर आपको याद होगा तो हमने हुक्स लॉ देखा था इन डिटेल. हुक्स लॉ के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया था. आई विल रिपीट दैट एग्जाम्पल क्योंकि अगले टॉपिक सारे के सारे हुक्स लॉ पे डिपेंडेंट है. और रिमेम्बर बहुत सिंपल सा चैप्टर है ये. पूरा चैप्टर 1.5 से 2 घंटे में खत्म होता है. तो सिर्फ एक कनेक्टिविटी बिठाना है फ्रॉम फर्स्ट टॉप टॉपिक टू लास्ट टॉपिक. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज हमारे पास एक रस्सी है, स्ट्रिंग वायर 10 मीटर लॉन्ग. उस पर हमने 1 किलोग्राम का लोड लगा दिया तो उसका लेंथ हो गया 10.1. मतलब फॉर 1 kg ऑफ लोड इंक्रीज इन लेंथ इज 0.1. इमेजिन इफ आई पुट 2 किलोग्राम लोड इंक्रीज इन लेंथ इज 0.2 तो 10.2 हो गया. इफ आई इंक्रीज द लोड बाय 1 किलोग्राम तो 3 kg लोड के लिए 0.3 का इंक्रीमेंट होगा. मतलब लेंथ इज नाउ 10.3. लोड इंक्रीज करना मतलब फोर्स इंक्रीज करना और इलॉन्गेशन होना मतलब डेल्टा एल इंक्रीज इन लेंथ. तो यू आर सेइंग कि जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना ही इलॉन्गेशन ज्यादा होगा. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन लेंथ. अगर मैं फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं तो फोर्स अपॉन एरिया क्या है? स्ट्रेस. और अगर मैं चेंज इन लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इसको बोलते हो हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ था विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इन टू स्ट्रेन. तो देयर फोर यू हैव रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दैट ऑफ स्ट्रेन इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और इस कॉन्स्टेंट को आप बोलते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. दिस इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सिंपल. तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू दैट ऑफ स्ट्रेन इज अ कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, लेट अस प्लॉट अ ग्राफ. लेट अस प्लॉट स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेस अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो इस केस में वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया? स्ट्रेस. एक्स पे क्या प्लॉट किया? स्ट्रेन. तो वाई इक्वल टू समथिंग इनटू एक्स मतलब एम एक्स. तो जो कांस्टेंट की आप बात कर रहे हो वो क्या है? स्लोप है. किसका स्लोप है? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का. और वाई इक्वल टू एम एक्स मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ये आ गया आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ. और स्लोप कांस्टेंट और कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है. यहां तक तो आपको पता होना चाहिए. अब मतलब अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड कर सकते हो बाय फाइंडिंग आउट स्लोप. स्लोप फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं. मे बी डायरेक्टली आप 2 पॉइंट ले लोगे, एक पॉइंट लोगे ये क्योंकि ये ओरिजिन है तो 0 0. एक पॉइंट लोगे ये, यहाँ पे वाई टू मतलब कौन है? स्ट्रेस. और एक्स टू कौन है? स्ट्रेन. यहाँ पे एक्स वन कौन है? 0. वाई वन कौन है? 0. तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. वाई टू इज स्ट्रेस, वाई वन इज 0, एक्स टू इज स्ट्रेन एंड एक्स वन इज 0. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. फिर इलास्टिक लिमिट क्या होता है? जिस पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो उस पॉइंट को बोलते हो इलास्टिक लिमिट. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये कौन है? इलास्टिक लिमिट है. इलास्टिक लिमिट क्या है? स्ट्रेस का वैल्यू है. कौन सा वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है. उस मैक्सिमम वैल्यू तो क्या हो रहा है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा? कर्व होगा. उसके बाद क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा. तो इलास्टिक लिमिट मतलब क्या? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज इलास्टिक लिमिट. यहां तक क्लियर? नाउ हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन किया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. लेकिन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के बनेंगे क्योंकि स्ट्रेस कितने टाइप के थे? 3. कौन से 3? टेंसाइल, वॉल्यूम, शियर. और स्ट्रेन में कितने टाइप के थे? 3, टेंसाइल, वॉल्यूम एंड शियर. तो जब आप टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन करोगे
तो आपको एक टाइप का मॉड्यूलस मिलेगा, जब आप वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन करोगे तो दूसरे टाइप का मिलेगा, जब आप शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन करोगे तो आपको तीसरे टाइप का मिलेगा। तो अब आपको देखना है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये तीन टाइप का आता है। इलास्टिसिटी मॉड्यूलस इज ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन इसको आप बोलते हो यंग्स मॉड्यूलस। क्या बोलते हो? यंग्स मॉड्यूलस। इसका और एक नाम है, इसको आप बोलते हो इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। क्या बोलते हो इसको? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस बाय डिफॉल्ट क्या डेफिनेशन है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या डेफिनेशन है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन कर दूं तो क्या बोलोगे उसको? यंग्स मॉड्यूलस। लेकिन टेंसाइल मतलब रिलेटेड टू लेंथ होता है, तो यंग्स मॉड्यूलस को और एक नाम क्या दिया? इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन है, और टेंसाइल क्या होता है? लेंथ, चेंज इन लेंथ। तो इट इज डिफाइंड एज यंग्स मॉड्यूलस और इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एज द रेशियो ऑफ किसका रेशियो? किसका रेशियो? टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ, टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन, टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। सिंपल। देयरफॉर यंग्स मॉड्यूलस जिसको आप डिनोट करते हो वाई से, तो यंग्स मॉड्यूलस का नोटेशन क्या है? वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इट इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। सिंपल, क्लियर? अगर आपको याद होगा तो हमने जब टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने एक वायर लिया था, वायर के नीचे क्या था? लोड था, लोड क्या था? एमजी। और स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है? एमजी। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या आ गया था? एमजी अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे काम करेंगे, वी विल टेक अ रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट लेंगे, इस रिजिड सपोर्ट को हम लोग एक वायर कनेक्ट कर देंगे, इस वायर के नीचे क्या लगा दोगे? लोड। लोड मतलब फोर्स, मतलब एमजी। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इलॉन्गेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब क्या होगा? वायर का लेंथ बढ़ेगा, द लेंथ ऑफ द वायर विल इंक्रीज, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस बाय सम अमाउंट डेल्टा एल। तो ये क्या है? ये ओरिजिनल लेंथ है, कितना है? एल है। तो ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज एल। और व्हाट इज दिस चेंज इन लेंथ? डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल। और ये है लोड, ये है मास, तो एमजी हो गया लोड विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, करेक्ट? तो कंसीडर, कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल सस्पेंडेड, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, लेट द फ्री एंड ऑफ द वायर बी अटैच विद अ लोड ऑफ मास एम, लेट द फ्री एंड ऑफ द वायर बी लोडेड विथ मास एम, बी लोडेड विथ मास एम, देयरफॉर फोर्स इक्वल टू एमजी, एंड एरिया ऑफ द वायर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर व्हाट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एमजी अपॉन, एमजी अपॉन पाई आर स्क्वायर। और टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या है? स्मॉल एल है। ओरिजिनल लेंथ क्या है? कैपिटल एल है। देयरफॉर टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सिंपल है ये। तो चेंज इन लेंथ आपके पास है स्मॉल एल, ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल एल, तो टेंसाइल स्ट्रेन मिल गया स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, गुड। देयरफॉर आपको यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला मिल जाएगा। देयरफॉर व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन।
यंग्स मॉडुलस है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. सॉरी 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 ओके एनीवे डजंट मैटर. सो आई विल जस्ट से यंग्स मॉडुलस y इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेस अभी आपने लिखा mg अपॉन पाई आर स्क्वायर और स्ट्रेन स्मॉल l बाय कैपिटल l. देयरफॉर y इक्वल टू mg डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैपिटल l अपॉन पाई आर स्क्वायर l. ये आ गया आपके पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला. अदर क्लियर गुड. अब एक चीज और याद रखो, मुझे पहले तो ये बताओ स्ट्रेस का यूनिट क्या था. फोर्थ अपॉन एरिया है ना, तो फोर्थ क्या है न्यूटन, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और डायमेंशन क्या थे स्ट्रेस के, फोर्थ अपॉन एरिया. फोर्थ इज m1 l1 t - 2, एरिया इज l2. तो m1 l1 t - 2 अपॉन l2, तो m1 l-1 t - 2. स्ट्रेन के यूनिट क्या थे, नथिंग, डायमेंशन लेस है. जो यूनिट प्रेशर के है वो यूनिट स्ट्रेस के है. और अगर आप देखोगे ये जो हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया, ये क्या है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसमें स्ट्रेन के यूनिट्स है क्या, डायमेंशन है क्या, नहीं. तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के डायमेंशन मतलब किसके डायमेंशन, स्ट्रेस के, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है. तो यंग्स मॉड्यूलस भी क्या है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है. तो यंग्स मॉड्यूलस के डायमेंशन मतलब किसके डायमेंशन, स्ट्रेस के डायमेंशन. तो यूनिट क्या, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिंपल. तो SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ऑल्सो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज m1 l-1 t - 2. मतलब प्रेशर के, स्ट्रेस के और मॉड्यूलस के डायमेंशन होते हैं सेम, यूनिट भी होता है सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यहां तक क्लियर. अब देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम डिफाइन करते हैं ना, उसका कुछ पर्पस होता है, मतलब वो हमको एक इंफॉर्मेशन देता है. इस केस में हुआ क्या, आपने वायर के नीचे फोर्स लगा दिया, वायर के नीचे फोर्स लगाया तो वो फोर्स क्या कर रहा है, वायर को इलांगेट कर रहा है. इलांगेशन की वजह से मटेरियल के अंदर क्या होगा, ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो अगर हमने फोर्स लगा दिया तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब, अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो तो अंदर एक फोर्स डेवलप होता है अट्रैक्शन का, उसको क्या बोलते हो, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स. मतलब जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ जो इस इलांगेशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, राइट. तो यंग्स मॉड्यूलस क्या मेजर करता है, यंग्स मॉड्यूलस ये अपोजिशन मेजर करता है. तो यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स द अपोजिशन और रेजिस्टेंस टू द चेंज इन लेंथ ऑफर्ड बाय द मटेरियल. मतलब बात ऐसा है कि हमने वायर लिया, वायर के नीचे लोड लगा दिया, लेंथ चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है, लेंथ डायरेक्टली चेंज नहीं हुआ. जब लेंथ चेंज हो रहा था तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप हो रहे थे. ये रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या कर रहे थे, चेंज इन लेंथ को अपोज कर रहे थे. तो एक मटेरियल ने चेंज इन लेंथ को कितना अपोज किया, ये कौन मेजर करता है, यंग्स मॉड्यूलस. तो यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स द अपोजिशन टू द चेंज इन लेंथ ऑफर्ड बाय द मटेरियल. तो अगर स्टील का वायर होगा तो स्टील उसको अपोज करेगा चेंज इन लेंथ को, कॉपर का होगा तो कॉपर अपोज करेगा. तो यंग्स मॉड्यूलस मेजर्स द अपोजिशन और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द चेंज इन लेंथ. क्लियर यहां तक. अब आपने टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन को बोल दिया यंग्स मॉड्यूलस. अब वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को बोल देंगे बल्क मॉड्यूलस.
जैसे टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन का इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, वैसे ही वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन होगा इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। तो अगला टाइप है बल्क मॉड्यूलस। जिसको आप बोलते हो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, मतलब इन शॉर्ट इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। इसको आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हो, इसको आप सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हो, इसको आप बल्क मॉड्यूलस भी बोलते हो। जैसे यंग्स मॉड्यूलस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, यंग्स मॉड्यूलस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। तो तीन तीन नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टोरी सेम है, स्टोरी में सिर्फ कैरेक्टर चेंज हो रहा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेन। वहां पे आप बोलोगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन। मैं इसलिए बोलता हूँ चैप्टर इतना सिंपल है, ग्रेविटेशन और ये चैप्टर दे आर सो सिंपल, ये ज्यादा सिंपल है क्योंकि सब वैसा का वैसा फॉर्मेट है, आपको ज्यादा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नोटेशन। अभी देखो बल्क मॉड्यूलस के लिए ना किसी बुक में बीटा भी दिया हुआ है, किसी बुक में के दिया हुआ है, तो आई विल यूज के, आई विल स्टिक विथ के, मैं के नोटेशन यूज करूंगा। तो बाय डेफिनेशन क्या है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। हमको फॉर्मूला बनाना है किसका, बल्क मॉड्यूलस का। तो आपने यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला कैसे बनाया, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन, वहां पे क्या चेंज होता है, लेंथ। तो आपने क्या लिया, वायर, वायर से क्या लगा दिया, लोड। लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेन का केस याद होगा, तो आप एक क्यूब लेते हो या फिर एक बॉल लेते हो विथ वॉल्यूम वी, और उसको लिक्विड के अंदर लेके जाते हो, और हर साइड से लिक्विड क्या एग्जर्ट करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो यहाँ पे भी तो वही करना है, वापस से वही सेम आइडिया अगेन। तो हम यहाँ पे एक एक क्यूब लेंगे, आपको चाहिए तो आप बॉल ले लो, वो ज्यादा इजी भी होता है। चलो ठीक है, एक बार क्यूब लिया है तो एक बार अभी बॉल लेके लिख देंगे। हमारे पास एक बॉल है, स्पीयर है, इस स्पीयर का एक वॉल्यूम है वी, और इसको हम लेके गए लिक्विड के अंदर। लिक्विड ने क्या किया, हर साइड से प्रेशर लगा दिया। तो लिक्विड ने क्या किया, हर साइड से प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, और हर साइड से प्रेशर इक्वली एग्जर्ट किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, कितना था, वी। अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम, कितने से कम हो गया, डीवी से। तो वी माइनस डीवी हो गया फाइनल वॉल्यूम। गुड, सिंपल। सिर्फ मैंने बुक में क्यूब दिया है, स्क्वायर दिख रहे होगे ना, स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू कैन ऑल्सो टेक दिस, तो यू कैन से कंसिडर स्पीयर ऑफ रबर, स्पीयर मेड अप ऑफ रबर ऑफ वॉल्यूम बी। लेट दिस स्पीयर बी टेकन इन साइड, लेट दिस स्पीयर बी टेकन टेकन इन साइड अ लिक्विड, इन साइड अ लिक्विड या इन साइड वाटर भी बोल सकते हो, इन साइड वाटर विच एग्जर्ट्स प्रेशर, विच एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन इट फ्रॉम ऑल द साइड्स, एंड देयर फोर वॉल्यूम ऑफ द बॉल डिक्रीजेस। देयर फोर वॉल्यूम ऑफ द बॉल, मतलब ऑफ द स्पीयर डिक्रीजेस, कितने डिग्री हुआ, डीवी से, डिक्रीजेस बाय डीवी। क्लियर आता, क्लियर, क्लियर, सिंपल है ना। स्पीयर था, वॉल्यूम भी था, लिक्विड में लेके गए, लिक्विड क्या करता है, हर साइड से कंप्रेस करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो वॉल्यूम कम हो गया, कितने से कम हुआ, डीवी से। तो नया वॉल्यूम कितना हो गया, वी माइनस डीवी। अब फिर हम फॉर्मूला बनाएंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। देखो अब इसमें भी दो केसेस बनते हैं, एक तो पहले बॉल कहाँ था, पहले ये स्पीयर कहाँ था। अगर ये पहले स्पीयर वैक्यूम में था तो इनिशियल प्रेशर कितना है, जीरो है,
इनिशियल फोर्स कितना है? जीरो है। अगर पहले एटमॉस्फेयर में था तो इनिशियल प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप इसको लिक्विड के अंदर लेके चले गए वाटर के अंदर, तो वाटर ने प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, मतलब वाटर ने क्या एग्जर्ट कर दिया? फोर्स। अगर चेंज इन प्रेशर स्मॉल है तो फोर्स भी स्मॉल है, तो क्या आ जाएगा? डी एफ बाई ए। लेकिन फोर्स अपॉन एरिया क्या है? अभी कब से तो मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फोर्स अपॉन एरिया क्या है? प्रेशर है। तो स्मॉल फोर्स अपॉन एरिया क्या है फिर? स्मॉल प्रेशर है, मतलब दिस इज स्मॉल चेंज इन प्रेशर। और हमने तो सब डिराइव करके रखा है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, वॉल्यूम स्ट्रेस डिराइव नहीं किया था हमने, डीपी चेंज इन प्रेशर, फिर वॉल्यूम स्ट्रेन बताओ तो कैसे डिफाइन किया था? हाँ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम बेसिकली, विच इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। फाइनल कितना है? वी माइनस डीवी है, दिख रहा है ना, वी माइनस डीवी। और इनिशियल कितना है? वी अपॉन इनिशियल कितना है? वी। तो वी माइनस डीवी माइनस वी, तो वी वी कैंसल, तो क्या बचा? माइनस डीवी बाय वी। व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस? व्हाट इज बल्क मॉड्यूलस डिफाइन किया ना तुमने? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब डी पी, वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब माइनस डी वी बाय वी, माइनस डी वी बाय वी। तो वी ऊपर गया, देयरफॉर के इक्वल टू माइनस वी डी पी बाय डी वी। अगर आप मॉड वैल्यू लोगे तो वी डी पी बाय डी वी आ गया। ये बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला, वी डी पी बाय डी वी, माइनस साइन मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस, तो अगर प्लस साइन लिखोगे तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, माइनस साइन मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस और प्लस मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो यहाँ पे हमने माइनस लिखा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उल्टा अगर सोचोगे, पहले पानी में बॉल था, अब उसको तुम एयर में लेके आए तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि इस बार प्रेशर हो जाएगा कम। वाटर के अंदर प्रेशर होता है ज़्यादा और एयर में या फिर वैक्यूम में होता है कम, तो उस केस में फाइनल वॉल्यूम विल बी ग्रेटर देन इनिशियल। क्लियर? अब हम और एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। तो जो भी अगर इंजीनियरिंग करोगे, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आएगा, कंप्रेसिबिलिटी यूज होगा, और ट्वेल्थ में भी अभी यूज होगा कंप्रेसिबिलिटी। तो बहुत सिंपल है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो कंप्रेसिबिलिटी इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ऑफ बल्क मॉड्यूलस। देयरफॉर के का रेसिप्रोकल मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या है? सी इज वन अपॉन के, तो सी इक्वल टू वन अपॉन के, लेकिन के क्या था? वी डी पी बाय डी वी, तो वी डी पी बाय डी वी हो गया। इसको सिर्फ लिखते हो, ऐसा लिखते हैं डी वी बाय डी पी अपॉन वी, बस इतना ही है। दिस इज हाउ यू राइट इट डाउन, खत्म। ये आ गया कंप्रेसिबिलिटी। तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इस पर एक्सपेरिमेंट है, फाइंड आउट द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। तो उसका फिजिकल मतलब क्या है? क्योंकि देखो, अगर आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे आपके वाइवाज होते हैं, पता है वाइवा? हाँ, ओरल ओरल। आफ्टर ईच प्रैक्टिकल, आपको हर एक प्रैक्टिकल के बाद कंपल्सरीली ओरल देना है। पास नहीं हुए तो वापस से आपको एक्सपेरिमेंट करना है, वापस ओरल देना है, करवाते रहेंगे। नहीं कर पाए तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। सिर्फ थ्योरी लिख के नहीं होता है, ऑनलाइन देखे भी नहीं है, वहाँ पे ओरल देना पड़ेगा। और ये एक क्वेश्चन है जो पूछते हैं कभी कभी, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट में तो फाइंड करोगे तुम लोग कंप्रेसिबिलिटी।
तो फिजिकल मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का मतलब इतना होता है, देखो क्या हो रहा है, हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। मतलब मैं अगर प्रेशर 1 पास्कल से चेंज करता हूँ, यूनिट मतलब 1, मैं अगर प्रेशर 1 यूनिट से चेंज करता हूँ, मतलब मैं प्रेशर 1 पास्कल से चेंज करता हूँ, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है, व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी, राइट, इफ द प्रेशर ऑफ द बॉडी इज चेंज बाय 1 पास्कल। तो भी ये याद रखो, सिंपल है। और क्योंकि ये 1/कंप्रेसिबिलिटी है, सॉरी ये 1/बल्क मॉड्यूलस है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, हाँ बल्क मॉड्यूलस का क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो इसका इसका डायमेंशन क्या आएंगे, बल्क मॉड्यूलस के क्या थे, m1l-1। अब इसका क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो m-1l1 t2। अरे माइनस क्यों, ऊपर जाएगा ना, हाँ तो m-1l1 t2। तो ये आ गया कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन, सिंपल। अब ये हो गया हमारा बल्क मॉड्यूलस। तीसरा है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको तुम इलास्टिसिटी ऑफ शेप भी बोलते हो। तो थर्ड है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसको आप इलास्टिसिटी ऑफ शेप भी बोलते हो, इलास्टिसिटी ऑफ शेप। इसको हम डिनोट करेंगे ईटा से, ईटा ईटा, ये एन नहीं है, ये गामा भी नहीं है, इसको क्या बोलते हो, ईटा, ETA, ईटा। अब डेफिनेशन के मामले में तो वही सब कुछ है, क्या है बताओ, इट इज अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू दैट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो इट इज अ रेशियो ऑफ, जैसे यहाँ पे तुमने लिखा इट इज अ रेशियो, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू दैट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेन, वहां पे बोलोगे इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू दैट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू दैट ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर एंड शियर, सिंपल, राइट। तो देयरफोर ईटा इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। लेकिन लेकिन शियर स्ट्रेस क्या होता है, हाँ शियर स्ट्रेस याद है, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं याद तो याद आ देता हूँ। हमने हमने एक क्यूब लिया था, याद है, ABCDEFGH, हमने एक क्यूब लिया था, इस क्यूब का बेस हमने स्टिक कर दिया था, फिक्स कर दिया था बेसिकली, तो ये एक क्यूब है, ये है ए, ये है बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एच। और आपको यहाँ पे शेप चेंज करना है, बाय द वे नाम में रिजिडिटी है, रिजिडिटी, क्योंकि रिजिड बॉडी इसका शेप चेंज होता नहीं है, तो चेंज इन शेप के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, रिजिडिटी। तो ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। तो अगर मैंने इस क्यूब को फोर्स लगा दिया तो ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये मूव नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम बेस को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, हम इसको ग्लू कर देते हैं, चिपका देते हैं बेसिकली।
और इसको यहाँ पे स्टिक करने के बाद हम लोग ऊपर की सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। देखो ऐसा फोर्स लगा सकते थे लेकिन इससे वॉल्यूम चेंज आएगा, हमको वॉल्यूम चेंज नहीं करना, हमको क्या चेंज करना है, शेप। तो ये जो क्यूब था इसके ऊपर के सरफेस पे हमने क्या लगा दिया, टेंजेंशियल फोर्स। और ये टेंजेंशियल फोर्स लगाने से बेस को छोड़ के बाकी सारे के सारे लेयर्स हो गए शिफ्ट। तो रिमेम्बर, सिर्फ बेस छोड़ दो बाकी सारे लेयर्स हो गए शिफ्ट। तो ये लेयर, ऊपर का लेयर, उसके ऊपर का लेयर, टॉप लेयर, सारे के सारे लेयर क्या हो गए, शिफ्ट। तो ये जो एच पॉइंट था वो कहाँ पहुंच गया, एच डैश पे। ई कहाँ पहुंच गया, ई डैश पे। एफ आ गया एफ डैश पे। जी आ गया जी डैश पे। तो जो पहले क्यूब था अब वो बन गया पैरेललोपिपेड। क्या बन गया, फर्क क्या है, क्यूब में हर एक साइड है स्क्वेयर। क्या है, स्क्वेयर। और पैरेललोपिपेड में हर एक साइड क्या है, क्या है, क्या है, पैरेललोग्राम। ओके, तो याद रखना, अब इजी है। एच कहाँ पे आ गया, एच डैश पे। ई कहाँ पे आ गया, ई डैश पे। एफ कहाँ पे आ गया, एफ डैश पे। जी कहाँ पे आ गया, जी डैश पे। राइट, सिंपल। क्यूब था, बेस फिक्स कर दिया, टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया बेस को छोड़ के, क्योंकि बेस फिक्स था, सारे लेयर्स हो गए शिफ्ट। तो कंसिडर क्यूब ए बी सी डी ई एफ जी एच। राइट, उसके बाद क्या किया हमने, क्या लगाया इस पे, फोर्स। लेट, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। लेट अ टेंजेंशियल फोर्स बी अप्लाइड, कहाँ पे अप्लाई किया, अप्लाइड टू द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूब, एंड हेंस इट बिकम्स पैरेललोपिपेड, एंड हेंस इट बिकम्स पैरेललोपिपेड। ए बी सी डी ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश। गुड, बाय डेफिनेशन ऑफ टेंसाइल, सॉरी शियर स्ट्रेस, बार बार टेंसाइल आता है लेकिन शियर स्ट्रेस, बाय डेफिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, व्हाट इज शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये तो पता ही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? वैसे तो कुछ कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है ये। क्यूब है, बेस फिक्स कर दिया, ऊपर से फोर्स लगा दिया टेंजेंशियल, बेस को छोड़ के सब कुछ शिफ्ट हो गया, हर एक लेयर शिफ्ट हो गया, शेप चेंज हो गया। पहले हमने लेंथ चेंज देखा, फिर वॉल्यूम देखा, अभी शेप चेंज है, अभी चेंज इन शेप है। तो जो पहले क्यूब था वो क्या बन गया, पैरेललोपिपेड बन गया। अब वो तो बाय डेफिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेस इट इज फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। बराबर, तो हमको क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हमको क्या चाहिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी चाहिए, वो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस तो तुमने निकाल लिया, एफ टी बाई ए, शियर स्ट्रेन फाइन कर लो। चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप नहीं चल सकता, हमने नया डेफिनेशन बनाया था, याद है क्या, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, कोई भी लेयर तुम देखोगे बेस छोड़ के तो वो क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। सिर्फ बेस नहीं हुआ डिस्प्लेस, बेस छोड़ के सब कुछ डिस्प्लेस हुआ है। राइट, देन उसके बाद तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, एच कहाँ शिफ्ट हो गया, एच डैश। एफ कहाँ शिफ्ट हो गया, एफ डैश। जी कहाँ गया, जी डैश। ई कहाँ गया, ई डैश अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर। तो एच का डिस्टेंस फिक्स लेयर से कितना है, एच ए। ई का कितना है, ई डी। एफ का कितना है, एफ सी। और जी का कितना है, जी बी। देयरफॉर शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये तो पता ही है अब, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। किसका,
किसका? ऑफ ऑफ एनी लेयर, किसी भी लेयर का बेस छोड़ के अपॉन उस लेयर का डिस्टेंस, कहां से, कहां से, अरे कहां से, फिक्स लेयर से। तो बताओ ना फिक्स लेयर से। एग्जाम में मुझे थोड़ी लिखना है, एग्जाम में तो आपको लिखना ही है। और एग्जाम में लिखना छोड़ दो, लेकिन सॉल्व भी करना होगा तो फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। वेरी गुड। शियर स्ट्रेन इक्वल टू, बताओ तो डिस्प्लेसमेंट बताओ मेरे को फटाफट, एच एच डैश या फिर ई ई डैश या फिर एफ एफ डैश या फिर जी जी डैश। ओके, अब आपका काम आसान करता हूं थोड़ा सा। व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन? टेंसाइल चेंज इन लेंथ अपॉन, मतलब डेल्टा एल बाय एल। अभी इमेजिन अगर मैं ये एच एच डैश को, ये ई ई डैश को, ये एफ एफ डैश को, ये जी जी डैश को अगर मैं डेल्टा एल से डिनोट कर दूं, किससे डिनोट कर दूं, डेल्टा एल से, तो इसको किससे डिनोट कर दिया, और एच ए को मैं एल बोल दूं, तो अभी मेरे को बताओ तुमने जो जी जी डैश लिखा है तो क्या लिखोगे, डेल्टा एल अपॉन क्या था, एच ए अपॉन क्या था, ई डी अपॉन क्या था, एफ सी अपॉन क्या था, जी बी, इन सबको क्या बोला है, एल बोला है, एल। तो डेल्टा एल बाय एल शियरिंग स्ट्रेन है और डेल्टा एल बाय एल टेंसाइल स्ट्रेन भी है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, टेंसाइल स्ट्रेन में वन डायमेंशनल वायर था, लेंथ के डायरेक्शन में ही चेंज इन लेंथ है, जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में लेंथ चेंज हुआ। यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर डेल्टा एल चेंज इन लेंथ नहीं है, यहाँ डेल्टा एल शिफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसा इसके लिए लिखा क्योंकि तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान जाएगा, मतलब तुमको दो दो फॉर्मूला याद नहीं रखने पड़ेंगे, दैट इज वाई। हाँ, अब अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है और ये भी थीटा है, और इस टैन थीटा अपोजिट अपॉन, अपोजिट कौन है, डेल्टा एल, एडजेसेंट कौन है, एल, अपोजिट कौन है, एच एच डैश, एडजेसेंट कौन है, एच ए, अपोजिट कौन है, ई ई डैश, एडजेसेंट कौन है, ई डी। तो फिर ये क्या है, टैन थीटा है, ये क्या है, टैन थीटा है, दिस इज टैन ऑफ थीटा। तो शियर स्ट्रेन क्या आ गया फिर, टैन थीटा आ गया। और अगर एंगल स्मॉल हुआ, अगर एंगल स्मॉल हुआ तो शियर स्ट्रेन क्या आएगा, थीटा आएगा, क्योंकि टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा एंड कॉस थीटा इज वन, तो आ गया थीटा, शियर स्ट्रेन इज थीटा। शियर स्ट्रेस क्या है, एफ टी बाई ए, शियर स्ट्रेन क्या है, थीटा, हमको क्या चाहिए, ईटा, ईटा थीटा बीटा ऐसा सब चलेगा, हमको क्या चाहिए, ईटा, व्हाट इज ईटा, मॉड्यूलस ऑफ 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 रिजिडिटी, ऑफ रिजिडिटी। तो देयरफॉर ईटा इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन 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 शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या था, एफ टी बाय ए, और ये क्या है, थीटा है, तो थीटा क्या है, एफ टी बाय ए थीटा है, बन गया फॉर्मूला बराबर। इसका ऐसा यूनिट वही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका डायमेंशन भी वही है, क्या है, एम माइनस वन एल वन टी नहीं, हाँ वो क्या था, कंप्रेसिबिलिटी था, तो ये एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। जैसे यंग्स मॉडुलस मेजर्स द अपोजिशन और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द चेंज इन लेंथ, वैसे ही बल्क मॉडुलस मेजर्स द अपोजिशन और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द चेंज इन वॉल्यूम, वैसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी ऑफ शेप, देखा ना तुमने इलास्टिसिटी ऑफ शेप, हाँ, मेजर्स द अपोजिशन
ऑफर्ड बाय द मटेरियल टू द चेंज इन इट्स शेप. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल टू द चेंज इन लेंथ इज यंग मॉडुलस, द चेंज इन वॉल्यूम इज बल्क मॉडुलस, एंड द चेंज इन शेप इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो सारे के सारे एकदम कनेक्टेड है, एकदम स्मूथ फ्लो है यहाँ पे, क्योंकि टेंशन का काम ही नहीं है. तो अभी वी विल सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल. आई विल गिव यू सम टाइम, लिखने का टाइम दूंगा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम इस चैप्टर को छोड़ो मत, क्योंकि तुमको जेई नीट में भी लगने वाला है. तो अच्छे से कर लो, और बहुत सिंपल है. आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन. तो सबका ध्यान यहाँ पे. एग्जाम्पल 6.1, अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 4.5 मीटर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3×10⁻¹⁵ मीटर स्क्वायर एंड अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4×10⁻¹⁵ मीटर स्क्वायर आर स्ट्रेस्ड बाय द सेम लोड. तो कितने वायर है, कौन से नहीं नाम, ग्रास और कॉपर, दोनों को सेम लोड से स्ट्रेच किया, मतलब फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है. द सेम इलोंगेशन इज प्रोड्यूस्ड, सेम इलोंगेशन मतलब स्मॉल एल या फिर डेल्टा एल, ये भी कॉन्स्टेंट है, जितना ब्रास में आया उतना का उतना कॉपर में आया. फाइंड द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास एंड कॉपर. आपको यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है यंग मॉडुलस का ब्रास और कॉपर का. तो सबसे पहले गिवन पैरामीटर में क्या क्या है वो देख लो. हमको दिया है लेंथ ऑफ ब्रास वायर, हमको दिया है एरिया ऑफ ब्रास वायर, हमको दिया है लेंथ ऑफ कॉपर वायर, हमको दिया है एरिया ऑफ कॉपर वायर. लेंथ ऑफ ब्रास वायर इज 4.5 मीटर, दिस इज आई थिंक 3×10⁻¹⁵ मीटर स्क्वायर था, 3×10⁻¹⁵ था. कॉपर वायर का है 5 और ये था 4×10⁻¹⁵ मीटर स्क्वायर. आपको क्या फाइंड करना है, रेशो, किसका रेशो, यंग्स मॉडुलस का रेशो. तो आपको क्या फाइंड करना है, यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास अपॉन यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर. आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद है, हाँ, वो एमजी के फॉर्म में नहीं भी बताओगे चलेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, चेंज इन लेंथ क्या है, कॉन्स्टेंट है. तो ये याद है, एफ अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो वाई इक्वल टू एफ, एल गया ऊपर और ए इंटू स्मॉल एल. क्या क्या कॉन्स्टेंट है, फोर्स, और क्या कॉन्स्टेंट है, स्मॉल एल. इसका मतलब यंग्स मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया. तो सिंपल सिंपल, तो सॉल्यूशन भी सिंपल सिंपल, क्योंकि आपको किसका चाहिए, ब्रास अपॉन कॉपर. यंग्स मॉडुलस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, लेंथ को. ऊपर ब्रास तो लेंथ ऑफ ब्रास, नीचे कॉपर तो लेंथ ऑफ कॉपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, एरिया को. तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ ब्रास. लेंथ ऑफ ब्रास 4.5 और ये 5, एरिया ऑफ कॉपर 4×10⁻¹⁵, ये आ गया 3×10⁻¹⁵. नाइनजा एंड टेनजा, 0.5×9 is 4.5, 0.5×10 is 5, बराबर, क्लियर. वनजा एंड थ्रीजा, और ये हो गया, ऊपर क्या है 12, 3×4 12, नीचे क्या है 10, व्हाट इज 12/10, 1.2, तो 1.2 हो गया रेशो, डन. एग्जाम्पल 6.1 था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6.2, अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.25×10⁻¹⁴ मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 2.5 किलोग्राम. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका वेट पूछे तो आप बोलते हो 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम. एक्चुअली आप घी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते नहीं हो यहाँ पे, क्या बताते हो 50, पर एक्चुअली क्या है 50×g, जी की वैल्यू कितनी है 9.8. तो 1 किलोग्राम वेट मतलब कितना, 9.8 न्यूटन. क्योंकि जब मैंने पूछा वेट कितना, आपने बोला 1 किलो, लेकिन जी से मल्टीप्लाई किया गया नहीं, अगर करते तो कितना आता, 9.8 आता. तो 1 किलोग्राम वेट मतलब कितना न्यूटन,
तो लिख के दिया उन्होंने 1 किलोग्राम मतलब 9.8 न्यूटन। द इलॉन्गेशन प्रोड्यूस इन द वायर इज 10^-4 मीटर। कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। आपको बताया है लेंथ कितना है 20 मीटर, आपको बताया है एरिया कितना है वो बता दिया, आपको बताया कि लोड कितना लगाया 2.5 किलोग्राम, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूटन में करेंगे मतलब फोर्स बता दिया। और क्या बताया है इलॉन्गेशन, और क्या पूछा है, क्या पूछा है यंग्स मॉडुलस। तो पहले तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया है वो देख लो, लेंथ दिया है कितना 20 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है कितना 1.25 × 10^-4 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है फोर्स कितना दिया है 2.5, लेकिन किलोग्राम में दिया है और किलोग्राम को कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 9.8, इसको मल्टीप्लाई फिलहाल मत करो, इसको ऐसे रख दो, हम फाइनल कैलकुलेशन में कर लेंगे। और क्या दिया है इलॉन्गेशन, कितना इलॉन्गेशन है 10^-4, 1 × 10^-4 मतलब 10^-4, क्या फाइंड करना है यंग्स मॉडुलस। फॉर्मूला क्या है, अरे अभी तो डिराइव किया था फॉर्मूला, हाँ y इक्वल टू एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल, अभी तो किया एफ कैपिटल एल अपॉन ए स्मॉल एल, तो हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि फोर्स कितना था 2.5 × 9.8, एल कितना है 20, एरिया कितना है 1.25 × 10^-4, और जल्दी 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 10^-4, 1.25 वन जा और टू जा, 9.8 × 20, देखो ये जीरो हटाना है मेरे को, जीरो हटाया तो पॉइंट भी हट गया, तो 98 का डबल 196, 196 का डबल 392, कितना 392, तो ये कितना आ गया ऊपर, ऊपर कितना आ गया 392, नीचे कितना है 10^-8, ऊपर आके कितना 10^+8, करेक्ट है। लेकिन याद रखो यंग्स मॉडुलस की वैल्यूज नॉर्मली 10^10 या 10^11 में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं 10^10 या 10^11, यहाँ पे कितना आ गया 392, तो मैं क्या लिखूंगा 3.10^10, कुछ नहीं सिर्फ ये मैंने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10^2 से, 10^2 और वो 10^8 कितना हो गया 10^10, यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खत्म, दैट्स इट फॉर टुडे।